आज परीक्षा दिन थिला, परीक्षा शेष होइछि। आउ ऑडियंस मानंकर करताली रु आपण माने जानि पर्थिबे कि देवदास नाटक केते सफल होइछि। तो की बताएंगे यो, मतलब उनको, मतलब अभी जो रिएक्शन मुझे मिल रहा है तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। मु सब बेले फिल्म्स करि आछि, थिएटर फॉर द फर्स्ट टाइम करूछि, तो एटा मोर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो जेते चैलेंजिंग थिएटर टा करबा इज वेरी चैलेंजिंग। आउ हाउसफुल तो थिला, आउ दी दिन पूर्व रही सोल्ड आउट थिली, प्रीमियर शो पूर्व रही। सो निश्चय लोक कास्ट क्रू टैलेंट आउ जो टीम अच्छा से देखिक टिकेट बुक कर। जो थे लाइटिंग साउंड सिंक और अलग आर्टिस्ट मान सहित कोऑर्डिनेशन एक्सप्रेशंस एवरीथिंग देखा पड़े। एंड सर से जो चैलेंजिंग वेव्स टा को पूरा कैप्टन ऑफ द शिप भाया से राइड करती आम गाइड करती। सो बहुत प्रोत्साहित मन करुत कृतज्ञ मन कर भावुची कि भुवनेश्वर आहरी थिएट्रिकल शोज आहरी नाटक आम कर। भूमिका चंद्रमुखी हिसाब से लास्ट मु आसली 2018 मु लास्ट स्टेज परफॉर्मेंस करथिली। एंड अभिनेत्री हबा इज डिफरेंट एंड गोटे लाइव स्टेज परफॉर्मेंस दबा विदाउट एनी कट्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन से बहुत ही मुश्किल गोटे ऑडियंस मानू एट ए स्टेज बांधिक रखा। आई थिंक कि मुझे जी प्राक्टिस करी जी रिहर्सल्स करी जी क्यारेक्टर को बुझा चेस्टा करी से ऑडियंस मानक पहुँची पारी। जमती आम कहली ये एक्सपीरियंशियल म्यूजिकल प्ले, ओडिशा रा फर्स्ट एक्सपीरियंशियल म्यूजिकल प्ले। सो यहाँ इट्स एन एक्सपीरियंस आपने देखिए, इट्स नॉट जस्ट गोटे फिक्स्ड सेट गोटे फिक्स्ड आर्ट डिजाइन एक्टर्स आसिकी नाची गले सब सीन रे परिवर्तन आनवाटा बिकज वी मिक्सड से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आउ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को मिक्स करी आम प्रमिस करूँ कि आपको गोटे थिएट्रिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजिकल एक्सपीरियंस आम देवा। एक्चुअली थिएटर टा करिबा ही वेरी हम्बलिंग जिते भी फिल्म्स करिथा जब थिएटर को आसे जो एक्चुअली एक्टिंग कौन एक्चुअली परफॉर्मेंस कौन से जानवाक मिले बहुत बेसी कष्ट बहुत बेसी नर्वस भी थी मुझ सर को जस्ट स्टेज आसवा पूर्व आई वाज टेलिंग सर कि सर मुझे बहुत नर्वस अच्छी मुझे जब ब्लैंक मुझे मन पड़ोनी कौन करी। सो वाज वेरी मैंने तांको देखिले से कॉन्फिडेंस टा आसी जाए। एंड विदु सर कोरियोग्राफी कर जो लाइव ऑडियंस वर्तमान देखुले एवरी सॉन्ग रे से ताली मारुले ताटू बड़ जिन कौन अच्छी मुझे मोर रिजल्ट पाईगली। एंड जेहेतु मुझे जे मूवी कोरियोग्राफर एंड थिएटर बहुत नुआ मोपाई मुझे भावि नी एत मात्र लोक एक्सपेक्ट करेंगे ये मोर एक्टा को। एंड थैंक यू सो मच अरुमीरा एंटरटेनमेंट आउ देवदास रो जो थिएटर प्ले रे गोटे छोट पार्ट से मुझे बहुत प्राउड फील कर। हालांकि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो मैं शायद उतना नहीं कर पाया, मैंने कोशिश किया बस इतना ही। तो अगली बार अगर ये शो होगा तो मैं इस कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। मेरी तरफ से तो बस इतना ही और क्या बोलूँ, मतलब व्हाइल आई वाज डूइंग देयर तो मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, कहीं पे लोग बैठे हैं, क्या चल रहा है, क्या सीन है, क्या ना। आई वाज इन अ फ्लो, तो बीच बीच में जब मुझे इतना रोना आ रहा था ना, जैसे ये शो खत्म हुआ ना, आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ बिकॉज वी नो फ्रॉम लास्ट 8-9 days हम लोगों ने शायद 3-2 घंटा ऐसा कुछ सोए हम सब ने जो आई एम रियली थैंकफुल टू देव मेहर द डायरेक्टर जे कि मते चंद्रमुखी भूमिका रे भाभी पारले प्रथम थर से भाभीले बोली सेटा को मु निभे कि आज आपण मानको सामना रे से नृत्य परिवेशन करि पारली। तो मुझराठू नहीं कि श्रृंगार रस ठू नहीं कि विरह रस पर्यंत आई होप कि मु गोटे आपण मन हृदय स्पर्शी हो पारी। फिल्म्स देखो बहुत सारा सेटअप्स थाए बहुत सारा एंगल्स रे शूट करा जाए लोकेशन्स रे जाए कि शूट करू किंतु गोटे जगार एत सारा लोकेशन्स को नहीं आसवा गोटे साइड रे कोलकाता गोटे साइड रे तालसोनापुर गोटे साइड रे बॉम्बे दिल्ली मद्रास सब जिनस आम गोटे जगह कोठा ये देखा ये दुर्गा मेढ़ भी ये देखा सब जिन देखा। तो यहाँ केवल आर्टिस्ट मैंने आपण मैंने स्टेज पर देखुंत कि पचर बहुत जनकर मेहनत था। मुझे 80-90% पूरा समझ में आता है, अदरवाइज मैं ये काम कर ही नहीं पाता।
और जो गाने हैं जो सुष्मिता मैम ने इधर गाए हैं और जो भी गाने उतने खूबसूरत है बहुत, मतलब वो गाना आप ऐसे ही सुनो ना तो ऐसे ही अच्छा लगे, कितने प्यारे गाने हैं यार। और आपकी ये जो उड़िया लैंग्वेज इतना खूबसूरत है ना, इससे जो मिठास है ना वो एक रूट, हम सब मतलब मिट्टी के लोग हैं तो वो रूट, उसका जो सुगंध आता है ना, खुशबू आता है एक लैंग्वेज से।